और दोस्तों जिस वेबसाइट के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप उस वेबसाइट से ऑनलाइन टीचिंग कंटेंट डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप अपने स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट, होमवर्क, वो सारी चीज़ें जो भी स्टडी मटेरियल होता है सारी चीज़ें डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हम सभी टीचर का जो ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या आती है वो है कंटेंट तैयार करना। अगर कंटेंट तैयार किया हुआ हो, अगर दोस्तों कंटेंट कोई हमें बना बनाया दे दे तो उससे फिर जो है पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी जो है इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना YouTube चैनल @techmitra। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है ऑलरेडी कंटेंट डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, और हमने दोस्तों यहाँ पे दो ही डाउनलोड करके रखा है। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम कंटेंट को डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का फाइल रहेगा। इस फाइल को दोस्तों हम लोग कहते हैं जिप फाइल। जिप फाइल में रहेगा तो इसको आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखा आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल। आप एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा और दोस्तों ओके पे क्लिक करके इसे ओके करके इसे जो है जिप से अनजिप कर लेंगे। अब दोस्तों ये आपके सामने एक फोल्डर है, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा कंटेंट है, इसको भी हम लोग जो है जिप फाइल से अनजिप में कर लेते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ आएगा, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे और इस तरह का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके पे क्लिक करके हम इसे भी अनजिप कर लेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों जिप फाइल है इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कंटेंट आगे है, ठीक है। चलिए मैं इस ये देखिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है बहुत सारी PDF फाइल है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा लार्ज फाइल आइकन करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों काफ़ी सारी जो है PDF फाइल है, PPT भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों PPT फाइल है ये दोनों और ये सारी जो है PDF फाइल है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कोई स्टोरी पढ़ाना है, ठीक है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इस PPT को, ठीक है। तो आप इस PPT को ओपन कर लेंगे और इसी PPT के माध्यम से आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। और लेकिन दोस्तों इसकी साइज जो है बहुत ही छोटा है, तो आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है स्लाइड साइज दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके और ये जो नीचे वाला साइज देख रहे हैं आप 16:90 रेशियो का, आप ये साइज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी आप पढ़ाएं तो इसका जो साइज हो वो पूरे स्क्रीन पे शो हो, ठीक है। अब ये PPT हमारा ओपन हो गया है पढ़ाने के लिए, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगर आप जूम से पढ़ाते हैं तो आप जूम ऐप्स को ओपन करेंगे, या गूगल मीट के थ्रू पढ़ाते हैं तो उससे आप पढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप जो है एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है IOBIT स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने PC में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम इस स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। इसके बारे में भी दोस्तों मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा वेबकैम ऑन रहेगा और PPT से पढ़ा रहे तो माउस कर्सर को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों अगर आप वेबकैम यूज कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें उसमें आप अपने आप को भी दिखाना चाहते हैं, तभी जो है आप वेबकैम ऑन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपना फेस दिखाए बिना ही पढ़ाना चाहते हैं तो आपको वेबकैम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सेटिंग मिल जाता है, आप सेटिंग में जाएंगे और जो भी सेटिंग है वो सारी चीजें आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों ये हमारा वेबकैम शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आप अपना वेबकैम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं चाहूँ तो दोस्तों HP का जो हमारा लैपटॉप है उसका मैं वेबकैम यूज कर सकता हूँ, या तो दोस्तों हमने इसमें जो है एक एक्सटर्नल वेबकैम लगा रखा है Logitech का, तो वो अभी मेरा सेलेक्ट है, ठीक है।
ये सारा कुछ हो गया सेव कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर देखिए हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग PPT में आएंगे, यहाँ पे नीचे टास्क बार पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर एक टैब बना हुआ है, स्लाइड शो टैब, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इस वेबकैम को जहाँ भी रखना चाहें, जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ आपको ठीक लगे कि मुझे इस साइड रखना है या यहाँ रखना है, तो जो है आपको उस तरफ रख देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस PPT पे क्लिक करना है और फिर इसे आपको पढ़ाना है, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक इंग्लिश की स्टोरी है, 2 या 3 क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है इसे आप पढ़ा सकते हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी भी समझा सकते हैं। ठीक है, फिर आप PPT पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सारी चीजें चलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है PPT पे क्लिक करते जाएंगे और फिर जो है इस तरह से PPT के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ठीक है, जब आपका लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारी स्लाइड आपने प्ले कर दी, सभी चीजें आपने पढ़ा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है पॉज स्टॉप करने के लिए बटन बने हुए हैं। तो ये जो रेड बटन बना हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करके आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं PPT को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो PPT में आएंगे, यहाँ पे नीचे टास्क बार पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे, जो है आपको उस तरफ रख देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस PPT पे क्लिक करना है और फिर तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है कुछ इस तरह का वीडियो बना है। ठीक है, काफी बेहतरीन वीडियो बनी है और अगर हम चाहें तो इस वीडियो को YouTube पे डाल सकते हैं या अपने स्टूडेंट को जैसे भी चाहे आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने स्टूडेंट को चाहते कि जूम या गूगल मीट के थ्रू पढ़ाए, तो फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत नहीं होता है। फिर उसके थ्रू कैसे पढ़ाना है वो सारी चीजें तो आपको पता ही है, तो ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए तो इसे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के बारे में आप जान गए कि आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों वापस जो है हम उसी फोल्डर में आते हैं जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट है और यहाँ पे काफी तरह के जो है असाइनमेंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखिए कुछ होमवर्क दोस्तों, अगर आपको अपने स्टूडेंट को होमवर्क देना है, गृह कार्य देना है, तो ये जो है PDF आप अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो कि टीच मिंट के थ्रू ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन असाइनमेंट या होमवर्क के लिए जो है ये ये PDF आप उन्हें भेज सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा आपको जो है PDF दिखाता हूँ। ये देखिए एक और PDF है हमारे पास जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये PDF है हमारा और इसको भी हम उसी तरह से प्ले करेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसी तरह से आपको करना है, समझाना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका इमेज आएगा, तो ये देख करके बच्चे समझ जाएंगे। साथ ही इसमें जो है साउंड भी आता है, तो साउंड सुन करके भी बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों अंडर पैंट्स, तो बच्चों को कहना है ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो अगर पढ़ लेते हैं या समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है इस तरह से उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपने बच्चों को इस PPT के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया और इसमें और भी है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा फोल्डर है हमारा, इसमें भी PPT है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्विज है।
बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में ये पीपीटी बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्विज है, आप ऑनलाइन ही जो है इस तरह की क्विज पूछ सकते हैं और इसमें कह सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। मान लिया जाए दोस्तों कि बच्चों ने कहा कि ए इसका सही आंसर है, चलिए ए पर क्लिक करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नहीं बेटा, ये जो आंसर आपने बताया ये क्या है, गलत है। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं और फिर दूसरे बच्चे भी गलत हो जाते हैं, फिर आप सी पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर ये सही होगा तो इस तरह का कुछ आएगा और यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बटन पे पहुँच जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ भी सेम उसी तरह का जो है सवाल है, अगर गलत आएगा तो गलत बताएगा, ठीक है, और अगर सही आएगा तो इसका आंसर सही बताएगा। तो दोस्तों आप जो है इस तरह से इस पीपीटी के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना खत्म हो गया तो इस आप देखिए जो चीजें आप पढ़ाते हैं सेम वही चीजें जो है आप होमवर्क में भी बता देते हैं और वही चीजें आप असाइनमेंट भी सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो भी आपको पीडीएफ दिख रहा है ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे पीडीएफ आपको दिया गया है ये आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपने बच्चों को जो है इस पीडीएफ को सेंड करके उन्हें असाइनमेंट भेजें, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल है जो कि उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर सकते हैं कि इस पीडीएफ को वो जो है पहले प्रिंट आउट करवा लेंगे, फिर उसमें जो है पेन या पेंसिल से फिल करेंगे, फिर उनको स्कैन करके फिर वो आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो है होमवर्क कह लीजिए या असाइनमेंट जो है सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे जो है असाइनमेंट है, ठीक। तो ये सारे कंटेंट आपको जो है वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्टडी मटेरियल है या पीपीटी या पीडीएफ है ये हम कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो दोस्तों यहां हमने जो है गूगल ओपन कर लिया है और दोस्तों आपको यहां पे गूगल में टाइप करना है ट्विंकल, TWINKL, ट्विंकल, ठीक है। याद भी रखना बहुत आसान है क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्विंकल लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वेबसाइट आ गया है www.twinkle.co.in, ठीक है। यहाँ ट्विंकल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट योर फ्री ट्विंकल अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग दोस्तों जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट बनाते हैं सब उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको ट्विंकल अकाउंट बना लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप क्या है, ठीक है। तो आप जो भी है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप किस भाषा में पढ़ाते हैं क्या है वो सारी डिटेल सारी चीजें यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जो है सभी चीजें यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। आप कहाँ से है वो सारी चीजें यहाँ पे बता देंगे, आपका नाम क्या है वो सारी चीजें आप बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राजीव है और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके मैं इन सभी चीजों को अपडेट कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद ये मैं सेव कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आपको कई सारे टैब बने हुए हैं, ठीक है। अब आप अगर हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सभी कंटेंट शो हो जाते हैं। अब आपको जो भी डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, अगर आप फ्री कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे में ये फिल्टर आइकन दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री रिसोर्स पे क्लिक करके आप जो है फ्री रिसोर्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे पेड कंटेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फ्री में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो है फ्री कंटेंट है, ठीक है।
तो आपको जो भी डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट जो है हमारे पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जी फाइल डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप जो है टॉपिक फाइंड करेंगे कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं या क्या आप पढ़ाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शो इन फोल्डर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जी फाइल यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इससे कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे ले करके आना है। ठीक है, इसी फोल्डर में ले करके आता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप इस पे राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।